पहले घर आई लड़की की माँ। बुलबुल मेरी पत्नी है, वे चार दिन पुरानी आई हुई लड़की नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा विश्वास भी। कब से कह रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में मैं नहीं मानता हूँ, मेरी मान्यता नहीं है इन सब चीजों में, ना ही मेरा विश्वास है। सिर्फ वीर सपोर्ट करेंगे बुलबुल का सभी घर वालों के सामने जहां वो चले जाएंगे अपनी मासा के खिलाफ। तो बेसिकली जैसे कि आप सबको पता है कि बुलबुल नाबालिग है, और जब हम लोग मार्केट में होते हैं तो दृष्टि जानबूझ के एक प्लान बनाती है कि वो बुलबुल की कुंडली हमारी फैमिली के सामने लाएगी, जिससे बुलबुल की डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी और पता चल जाएगा कि बुलबुल जो है नाबालिग है। तो इसी तरीके से दृष्टि प्लान करते हैं, और हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम दृष्टि को देखते हैं जब हमें बुलबुल की कुंडली मिल जाती है। तो अब देखना ये है कि क्योंकि बुलबुल की कुंडली हमारे हाथ लग चुकी है और अब हमें किसी भी वक्त बुलबुल के बारे में पता चल सकता है कि वो नाबालिग है, एंड बुलबुल के नाबालिग होने से पता चलने पे कितना बड़ा धर्म संकट आ सकता है ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वीर की नौकरी जा सकती है, मतलब डेफिनेटली जेल हो सकती है। तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर हमारी फैमिली को ये पता चला कि बुलबुल नाबालिग है। तो हाल फिलहाल तो वही ड्रामा चल रहा है। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो बालम थानेदार में आप सभी देखेंगे कि सुलक्षणा के हाथों लग गया है बुलबुल की कुंडली, जहां उस कुंडली में लिखा हुआ है बुलबुल का असली डेट ऑफ बर्थ। और वही ये सब और कोई नहीं बल्कि बुलबुल की बहन ही कर रही है, और वो चाहती है कि ये सब के कारण बुलबुल अलग हो जाए वीर से। इतना ही नहीं, जब घर में सुलक्षणा आती है तो वो पंडित जी को भी बुलाती है और वो कहती है कि वो बुलबुल और वीर का कुंडली मिलवाना चाहती है और देखना चाहती है, लेकिन वीर वहाँ पे आ जाएंगे और वीर मना कर देते हैं और मासा के हाथों से वो कुंडली ले लेते हैं, जहाँ बुलबुल और वही बुलबुल भी वहाँ रहती है। मासा काफी ही भड़क जाएगी वीर पे और वो कहती है कि चार दिन की आयु हुई लड़की के लिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन तब वीर साथ देते हैं बुलबुल का और वो कहते हैं कि बुलबुल कोई लड़की नहीं बल्कि उसकी वाइफ है, उसकी जिम्मेदारी है, और वो कुंडली मिलाने से मना कर देंगे। अब देखना यह है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। तो क्योंकि आप जब बुलबुल की कुंडली सुलक्षणा जी के हाथ में लगी है तो बुलबुल चाहते हैं कि उसकी उनकी कुंडली उनके हाथ में ना आए, वो कैसे भी करके उन्हें कुंडली दिखाने से रोक ले। तो तभी सुलक्षणा जी कहती है कि नहीं, मैं कुंडली दिखा के रहूंगी। और बुलबुल कहना चाहते हैं कि नहीं दे। तो जब वीर बुलबुल को सपोर्ट करते हैं कि जाने दीजिए माँ, कुंडली क्यों दिखानी, तो जब तो उसी बीच वीर की और सुलक्षणा जी की नोकझोंक जाती है कि इन्हीं चार दिन आई लड़की के लिए ये स्टॉक में वगैरह। अगर मेरी और बुलबुल की कुंडली मिलवाई गई तो फिर तो ये यकीन हो जाएगा, साबित हो जाएगा जैसे हमारे रिश्ते में कोई तकलीफ हो, इस शादी में कोई दिक्कत हो। नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूँगा, ना हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है, शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत है और ना बुलबुल की कुंडली में किसी तरह का कोई। नो चार्ज। चार दिन पहले आई उस लड़की की वजह से। बुलबुल मेरी पत्नी है ना, वो चार दिन पुरानी आई हुई लड़की नहीं। आपसे कई बात कह चुका हूँ, इन सब चीजों में मैं भरोसा नहीं करता हूँ माँ, मेरा इन सब चीजों में विश्वास नहीं है, नहीं मानता इन सब चीजों। प्लीज ऐसा बंद कीजिए, और ये इसको तो मैं
ट्रॉली